हम इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन से करना चाहेंगे। निवेदन है गुरु जी, गुरु माता जी, अगर आप दीप प्रज्वलन के लिए आए। राजेश बाबा, राजीव बाबा, अरुण बाबा, दीप प्रज्वलन दादी आप भी आए। तुम्हें तो आना ही है, आ जाओ। मम्मी पापा और भव्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि पंडित जी का स्वागत करें श्रीफल पुष्प से। तालियों के साथ स्वागत गुरु जी का। हमारे हनुमान राम राम। सर्वप्रथम मैं मुछाल परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे परिवार की तीसरी पीढ़ी का सबसे छोटा लाडला भव्य मंगल परिणय में बंधने जा रहा है। इस मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान जी के परम भक्त जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर जी मेहता के उद्बोधन से होने जा रहा है। पंडित विजय शंकर जी मेहता से आप सभी भली भांति परिचित हैं। हम सब दैनिक भास्कर एवं एफएम रेडियो के माध्यम से रोज इनसे मिलते हैं। उनके परिचय की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, तथापि लॉकडाउन की अवधि में 69 दिनों में 73 ऑनलाइन व्याख्यान देना गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अपने देश ही नहीं विदेशों में भी 130 विषयों पर 4,500 से अधिक व्याख्यान दिए हैं। अभी इसमें पाकिस्तान के 8 नगर भी शामिल हैं। आप ही की प्रेरणा से उज्जैन में विश्व का पहले हनुमान चालीसा से ध्यान के केंद्र शांतम का निर्माण हुआ है, जहां हनुमान चालीसा से ध्यान का विशेष कोर्स करवाया जा रहा है एवं निरंतर शांति प्राप्ति का संदेश दे रहे हैं जीवन प्रबंधन गुरु पंडित मेहता जी। मैं पंडित जी से आग्रह करती हूं कि वे परिवार प्रबंधन तथा रिश्तों को निभाने की कला पर मार्गदर्शन दें। हमारे हनुमान। ओम शांति।
ईश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि हम लोग चिरंजीव भव्य और सौभाग्यकांक्षिणी अदिति के मंगल परिणय के पूर्व प्रावधानों में आज हम इस संध्या को अर्पित कर रहे हैं और बात करना है परिवार प्रबंधन की। मैं सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं विलंब से आया और कुछ ऐसी मजबूरी हो गई। हमारे आश्रम में आज एक संत पधारे, उनको जिस समय आना था वो उससे विलंब में आए और मैं संकोचवश उनसे बहुत अधिक जल्दी उठना नहीं कह सका, तो आप मुझे क्षमा करेंगे विलंब के लिए। और आइए, परिवार हमारी जरूरत है, परिवार हमारा भाग्य है, परिवार हमारा भविष्य है। यह क्या ऐसा है कि हम लोग भारत के परिवारों को बचाएं? दुनिया में कोई देश परिवार को लेकर इतना गंभीर नहीं जितना हम हैं, क्योंकि हमारे यहां परिवार को परमात्मा का प्रसाद माना है। कुछ देश तो परमात्मा नहीं मानते तो प्रसाद तो बात अलग है, तो वो परिवार से वैसे जुड़ते नहीं, अपना अपना ढंग है। तो जब इस मांगलिक अवसर पर हमको चर्चा करना है परिवार की और समय की हमारे साथ सीमा है, तो चलते हैं सीधे विषय में। और मैं आपको, आप में से जो लोग परिवार के लिए बहुत गंभीर हैं, समर्पित हैं, हम में से बहुत सारे लोगों का लक्ष्य भी परिवार है, तो मैं आपको 5 सूत्र दूंगा। आप में से जिनकी परिवार बचाने में रुचि है, आपको ये सूत्र बड़े काम आएंगे और इसमें सारी बातें समा जाएंगी कि कैसे अब इंटर रिलेशनशिप को मेंटेन करें, क्या संबंध हो, ज्वाइंट फैमिली, सिंगल फैमिली, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी देर अलग अलग दृष्टांतों से आप अपने हिस्से का लेते चलिएगा। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा, पर मैं आपको कुछ दृश्य से गुजारूंगा। और वैसे भी आजकल फार्मूले का युग है, हर चीज का एक फार्मूला है, तो मैं आपको परिवार प्रबंधन में 1-2 का 5 एक फार्मूला देता हूं। अब आप ये 1-2 का 5 ले जाना, इसमें 15 चीजें आएंगी, बड़ी सरलता से अपन समझते चलेंगे। जिन्हें परिवार बचाने में रुचि हो वो आरंभ यहां से करें कि सबसे पहले भाषा बचाई जाए, भूषा बचाई जाए, भोजन बचाया जाए, भजन बचाया जाए और भवन बचाया जाए। अब ये 5 शब्द आपके पास हैं, आप इनसे भली भांति परिचित हैं। अब 1-2 का 5 फॉर्मूला। पहला, भाषा, इसमें एक ही चीज है,
भाषा तो एक ही होती परिवार की, प्रेम की भाषा, बाकी सब मोह। टू, दूसरा भूषा, दो ही वस्त्र होते हैं, भूषा मतलब ड्रेस कोड, एक वस्त्र एक आवरण। तीसरा भोजन बचाया जाए, इसमें तीन बातें, शरीर मन और आत्मा, इन तीनों का भोजन अलग है। हर परिवार का एक शरीर है जैसे हमारा शरीर है, जैसे हमारा एक मन है ऐसे हर परिवार का एक मन है, और जैसे हमारी एक आत्मा है ऐसे हर परिवार की एक आत्मा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन तीनों के भोजन अलग हैं। चौथा भजन बचाया जाए, इसमें विचार सूत्र है। परिवार में भजन का क्या मतलब है, तो पूजा, सत्संग, ध्यान और दान, इन चार चीजों में हमने पूजा समेट ली। और 1, 2 का 5 परिवार का फॉर्मूला में जो पांचवा है भवन, इस भवन में पांच बातें हैं, रिश्ते, मोबाइल, टीवी, व्हीकल और कर्मचारी। अब ये जितने शब्द मैंने बोले आपको अभी उससे जुड़ाव नहीं हुआ होगा, आपको लग रहा है कि पता नहीं अभी इस सब में कैसे अपन चलेंगे, मैं लेके चलता हूं आपको, कुछ दृश्य भी सुनाऊंगा। हमारे यहाँ किसी सिद्धांत को समझाना हो तो दृष्टांत अगर ठीक से बता दिया जाए तो आदमी को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो चलिए चलते हैं परिवार में। बहुत सारे लोग आज भारत के परिवारों में अशांत है, उसका कारण है घटनाएं घटती रही। तो सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगी कि यदि आप अपने परिवार में किसी से भी अशांत हैं तो एक गांव के बाहर कुटिया बना के एक महात्मा जी रहते थे, लोग उनके आसपास आते, एक दिन उनका सत्संग चल रहा था तो एक परिवार बैलगाड़ी में आया, उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा हम पिछले किसी गांव से आ रहे हैं और पिछला गांव हमने छोड़ दिया और इस गांव में बसना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है, आप तो साधु हैं झूठ नहीं बोलेंगे, इस गांव के लोग कैसे हैं, तो हम यहां बसे। तो महात्मा जी ने कहा कि ये बताओ कि तुम जिस गांव से आ रहे हो वहां लोग कैसे थे। बोले एक नंबर के कुटिल दुष्ट, उनकी तो याद करते दिमाग खराब हो जाता है। तो महात्मा ने कहा यहां भी ऐसे ही लोग हैं, एक नंबर के कुटिल दुष्ट, इनके साथ रहोगे तो खून खोलेगा। वो लोग चले गए, जो लोग सत्संग में बैठे थे सुन रहे महात्मा जी की बात। थोड़ी देर बाद एक और परिवार आया बैलगाड़ी लेके, उसने भी पूछा कि महात्मा जी पिछला गांव छोड़ के आए, इस गांव में बसना चाहते हैं तो आप बताएंगे इस गांव के लोग कैसे। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है जरूर बताएंगे, पर पहले ये बताओ कि आप जिस गांव से आ रहे हो वहां के लोग कैसे थे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे लोग थे, बहुत भले इंसान थे वहां, आज भी उनकी याद आके मन प्रसन्न हो जाता पर किसी कारण से छोड़ना पड़ रहा है। तो आप बताइए यहाँ के लोग कैसे हैं। महात्मा ने कहा यहाँ के लोग भी बहुत भले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, यहीं बस जाओ। तो जो लोग सत्संग सुन रहे थे उन्होंने कहा महात्मा जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, थोड़ी देर पहले उनको कह दिया कि यहाँ के लोग बड़े खराब हैं, इनको कह रहे हैं यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपने ऐसा क्यों किया। महात्मा जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, वो जो लोग उस गांव को छोड़ के आए और जिस गांव के लोग उनको खराब लग रहे थे वो कहीं भी चले जाएं वो शांत नहीं हो सकते, और वो लोग जिनको पीछे वाले अच्छे लग रहे थे वो यहां भी शांति महसूस करेंगे हमारे साथ। जब हम घर में रहते हैं तो यदि आप अपने घर में अशांत हैं तो सबसे पहले अपने भीतर झांकना कि आपकी क्या स्थिति, खोटियां मत ढूंढना। हमारे घरों में ज्यादातर हम अपनी अशांति, बेचैनी, परेशानी, दिक्कत की खूंटी दूसरे को ढूंढते हैं। पत्नी को लगता है मैं इसलिए अशांत हूं कि ये मेरा पति ठीक नहीं रखता, पति को लगता है कि ये पत्नी ठीक नहीं रखती, माँ बाप को लगता है बच्चे ठीक नहीं रखते, बच्चों को लगता है माँ बाप में गड़बड़ है। आप अपनी अशांति खूंटियां टांग रहे हैं। सबसे पहला काम यदि परिवार में शांति और प्रेम से रहना है तो आपकी तैयारी क्या है,
यदि आप शांत हैं, प्रसन्न चित्त हैं, यदि आप समर्पण के भाव से हैं, प्रेम पूर्ण हैं, अपनेपन में डूबे हुए हैं, तो आपको कोई अशांत नहीं कर सकता। इस दुनिया में आपके अलावा न तो कोई आपको शांत रख सकता है और न ही कोई अशांत कर सकता है। तो पहले इस कहानी को दिमाग में रखिए, फिर चलेंगे अपन परिवार में। तो मैंने आपसे कहा था 1, 2 का 5 फॉर्मूला। सबसे पहले 1, भाषा। ये जो भाषा हम बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मारवाड़ी, महाराष्ट्रीयन, ये इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो संबोधन है। परिवार की तो एक ही भाषा होती है और वो होती है प्रेम की भाषा। आपके बातचीत का जरिया, आपकी बातचीत का नजरिया प्रेम पूर्ण होना चाहिए। परिवार में आप किसी से बात करें, आपका कोई पद हो, कोई संबोधन हो, लेकिन प्रेम पूर्ण होना चाहिए। और जितना प्रेम पूर्ण होंगे, तो आप में से जो लोग कभी शिव पुराण पढ़ें या महाभारत पढ़ें, तो महाभारत के अनुशासन पर्व में, शिव पुराण में, जब शिव जी और पार्वती जी एकांत में बैठ के बातचीत करते हैं, तो दुनिया का सबसे अच्छा जोड़ा शिव पार्वती तो आप जानते होंगे, इनकी रेटिंग राम जी, सीता जी और कृष्ण जी और रुक्मणी जी से भी ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि वो जोड़ा गड़बड़ है, वो भी सही है, लेकिन ये अद्भुत है, अद्भुत। और यदि आपको किसी जोड़े को जानना है कि ये कैसे रहे होंगे, तो उनके बच्चे देखना। अगर वो बच्चे शांत हैं, प्रसन्न चित्त हैं, तो आप समझ लेना जोड़ा भी सही है। और अगर आपको थोड़ी गड़बड़ दिखे, तो आप समझ लो कि टोटी में गड़बड़ नहीं, टंकी में ही गड़बड़ है। लेकिन लोग टोटियों पर टूट जाते हैं, लगे हुए टोटी कसने, टोटी ठीक करने, वहां तो कुछ पानी की सफाई तो टंकी की हो नहीं रही है। तो शिव और पार्वती ने जब जब बात करी, आप पढ़ के देखना, महाभारत में देख लेना, शिव पुराण में देख लेना, और रामचरित मानस में देख लेना। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा, राम कौन? और कोई पति दिमाग खराब हो जाए कि तेरे को इतनी अकल नहीं कि राम कौन है, ऐसा जवाब मिले। लेकिन जैसे ही पूछा राम कौन, शिव जी ने कहा धन्यवाद, मैं धन्य हुआ देवी कि तूने आज ये सवाल पूछा। और आप देखना कि जो संबोधन थे उनके, पति पत्नी के बीच संबोधन कैसे होना चाहिए, ये अगर आपको देखना हो, तो आप कभी शिव पुराण पढ़ना या महाभारत पढ़ना, तो उसमें शंकर जी को पार्वती जी जो बोलती है, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूल पाणी, तपस्वी, राजाधिराज, ऐसे शब्द बोलती है। और शिव जी जब अपनी पत्नी को बोलते हैं, शुचिस्मते, प्रसन्न वदना, कल्याणी, देवी, प्रिय, और अंत में तो बोलते हैं चारु भाषिणी। चारु भाषिणी मतलब खीर की तरह मीठा बोलने वाले। कोई बोलता है अपनी पत्नी को चारु भाषिणी? इस सारे संबोधन सुनना आप उड़ गए कपूर की तरह। अब कौन बोलता है इतना मीठा? चारु भाषिणी, प्रिय, कल्याणी, शुचिस्मिते। शुचिस्मिते मतलब तू मुस्कुराती है तो फुलवारी खिल जाती है। ऐसी बातचीत करें। मैं आपसे बात कर रहा हूं भाषा, सुनी कैसी जाए और बोली कैसी जाए, लेकिन लोग नहीं करते। बाहर बहुत अच्छे से बोलते हैं, हमारे पहचान का एक जोड़ा मंगीलाल चंचला नाम का, हमारी कथा में आए दोनों। और जब मैं ये शिवपुराण का प्रसंग सुना रहा था कि शिव जी अपनी पत्नी को शुचिस्मिते, शुभांगी, शुभांगने, प्रिया, कल्याणी ऐसा बोलते हैं, तो वो नोट कर रहा है डायरी में। मैंने कहा देखो चलो किसी में तो सुधार आया, मुझे लगा नोट कर रहा है तो घर जाकर प्रयोग भी करेगा। उसकी पत्नी चंचला बहुत सीधी, बहुत ही सीधी, गांव की थी। तो एक दिन वो मुझसे पूछने लगी कि आप जो प्रवचन में बोल रहे थे वो तो कुछ और थे, ये तो कुछ और बोलते मुझको। मैंने कहा कि भाई हमने जो बोला वो तो ये नोट कर रहा था। मैंने कहा ये क्या बोलते? ये तो बोलती किधर है तू, ऐसा बोलते। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? इधर, ऐसा बोलते। ऐसा तो आप प्रवचन में बोले ही नहीं थे।
तो मैंने कहा प्रिय शुचि स्मृते प्रिय कल्याण, ये किसको बोलते हैं? बोले ये तो नहीं मालूम, पर ऊपर वाली मिसेस त्रिपाठी और नीचे वाली मिसेस वर्मा को व्हाट्सएप करते हैं तो ये सब लिखते हैं जो आपने बोला। ऐसे प्रयोग क्यों करते हैं लोग, अपने जीवन साथी से मिठास क्यों नहीं आ पाती? चलो छोड़ो आप, मैं बात कर रहा हूं परिवार की भाषा प्रेम की भाषा होना चाहिए। आज हमारे घरों में पढ़े लिखे लोगों के बीच जो थोड़े संपन्न हैं उनके यहाँ अगर परिवार में कोई मतभेद होता है, अशांति होती, कलह होता है, तो उसका एक बड़ा कारण है कहा सुनी। भाई दूसरी चीजें तो सब है, उसका तो कोई अभाव नहीं है, फिर क्या होता है कि बात बिगड़ जाती, कहा सुनी। तो उसने ऐसा क्या दिया, इनने सुना नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से आते हैं और जब मैं निर्णय निकालता हूँ तो पता लगता है कहा सुनी की झंझट हो गई थी, उनकी जुबान बड़ी खराब है, वो ऐसा बोलते हैं, कर्कश बोलते हैं और झंझट हो जाती है, उनने ऐसा बोल दिया, इनने ऐसा बोल दिया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, मेरे पास जब बच्चे आते हैं खासतौर पर नई पीढ़ी के और वो बोलते हैं कि जनता नहीं है कुछ समझ नहीं आता। अच्छा मेरे पास दोनों पीढ़ी के लोग आते हैं। एक बार मैं जयपुर में कथा करता था तो मेरे पास एक बहन जी आई, कोई होंगी 61 साल की, टाइम लिया हमसे और अपनी समस्या बताने लगी। तो मैंने कहा बताइए क्या समस्या है? कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम है, सब कुछ ठीक है। मैंने कहा फिर? बोले बस आपसे ये शेयर करने आए कि मैं बहू से बहुत परेशान हूँ। और उन्होंने बहू का जो चित्रण खींचा तो मुझे लगा इसके अंदर शुक्रक आ गई, अब इनका कुछ नहीं कर सकते, वो तो जिसकी सुनो वही सही लगता है फर्स्ट में जो सुनाता है। शाम को एक युवा स्त्री ने कहा कि पंडित जी टाइम दे दीजिए आपसे मिलना है, आ जाइएगा। वो आई, उन्होंने कहा जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब सुख है। मैंने कहा फिर? लेकिन मदर इन लॉ की प्रॉब्लम, पता लगा वही थी दोपहर वाली उसकी, और उसने खाका खींचा तो मुझे लगा मदर इन लॉ से बड़ी कोई शुभ खानी, क्योंकि तो जिसकी सुनो वो सही। अब बताओ आप क्या करें, ऐसे में तो बड़ी मुसीबत हो जाए। और एक को वो अच्छा, फिर बाद में सासू बहू तो एक हो जाए, अपनी यजमानी खत्म हो जाए, कोई उल्टा सीधा ज्ञान बांट दो। तो मैंने उस लड़की से जो बोला वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं सबसे कहता हूँ। मेरे साथ अनेक युवा जुड़े हैं और जब युवा बच्चे कोई अपनी सास की, कोई अपनी माँ की, कोई अपनी भाभी की, कोई अपने पिता की, किसी भी सीनियर मेंबर की जब कंप्लेंट करता है नई पीढ़ी का बच्चा, तो उससे एक बात कहता हूँ, मंत्र की तरह हमारे घरों में नई पीढ़ी के बच्चों को ये संवाद लिख के रखना चाहिए। मैं कोई आपको संस्कृत का मंत्र नहीं दे रहा, लेकिन आपकी जिंदगी में किसी भी बड़े से यदि आपको घर में कोई परेशानी हो तो इसे मंत्र की तरह रोज सुबह शाम रटा करो, और वो मंत्र है बड़े बड़े ही होते हैं, इसको रट लेना। जितनी बार इस बात को उतारोगे अपने जहन में कि बड़े बड़े ही होते हैं, बस ये बात मंत्र की रख लो। फिर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बात नहीं मानी, आपने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, अपने दिल से कहना बड़े बड़े ही होते हैं, बात खत्म हो जाएगी। फिर दोबारा कोई थॉट ही नहीं आएगा आपको कि उन्होंने, बड़े बड़े ही होते हैं। किसी शायर ने लिखा है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं। उनको आप कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, आप उनका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, बड़े बड़े ही होते हैं। इसको मंत्र की तरह अगर एक पीढ़ी संभाल ले, और जब मैं बड़े बूढ़ों से मिलता हूं तो उनकी भी परेशानियां हैं बच्चों की, तो मैं उनको ये मंत्र देता हूं कि बच्चे बच्चे ही रहते हैं, वो करेंगे वही जो आपको पसंद ना आए, पर याद रखिए कलह तक नौबत नहीं लाना जी, बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो इसलिए पहली बात थी अपने घरों में भाषा प्रेम की रखिएगा, कहा सुनी में घर टूटे। उन्होंने ऊंचे सुर में कह दिया, कुछ ऐसी बात कह दी, गड़बड़ हो गई। चलिए जल्दी से 1-5 फॉर्मूले में दूसरे में चलते हैं। और दूसरा है भोषा बचाइए, ड्रेस कोड।
ये जो आप कपड़े पहने, आप जो फैशन करें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। भूषा के मामले में दो बातें होती, एक होता है वस्त्र और दूसरा होता है आवरण। इन दोनों में फर्क। वस्त्र की विशेषता होती कि कौन सा अंग ढका जाए, कौन सा अंग प्रदर्शित हो, उसमें उसी की खूबसूरती है कपड़े की। लेकिन आवरण में सब ढक जाता है। वस्त्र सुदर्शनी बनाता है और आवरण रहस्यमय बनाता है। आवरण के भीतर एक रहस्य आता है और आज हमारे घरों में सदस्यों ने आवरण ओढ़ लिया है। पति ने पति होने का आवरण, पत्नी ने पत्नी होने का, बाप ने बाप होने का, बेटे ने बेटे होने का, भाई ने भाई होने का, एक रहस्यमय हो गया। हर पात्र आज पत्नी पति से बात करती, पति पत्नी से, बाप बेटे से, बेटा भाई से, भाई भाई से बात करता है। तो जब बात बाहर हो रही होती तो मन में ये सवाल होता है कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूं या मैं जिस स्त्री से बात कर रहा हूं, क्या ये भीतर से भी वही है जिसको मैं जानता हूं या जानती हूं? ये संदेह आ गया है आज का। उन्हें कोई बोलता नहीं है, लेकिन अचानक घर के लोग रहस्यमयी हो गए। अचानक ये आवरण है और जब जब आवरण ओढ़ा जाएगा ये स्थितियां बन जाएंगी। महाभारत ने भीष्म ने प्रतिज्ञा का आवरण ओढ़ा, पूरा वंश समाप्त हो गया। केकई ने मां होने का आवरण ओढ़ा, रामराज 14 साल खिसक गया। आज घरों में आवरण न होने, रिश्तों का आवरण बना लिया लोगों ने, उसकी खोल बना ली और उसमें काम चल रहा है। अगर आपको सचमुच भूषा को समझना है तो आपको एक कला सीखना चाहिए हनुमान जी से कि परिवार में सबसे अच्छी भूषा कब बड़े हो जाओ और कब छोटे हो जाओ। ये सबसे बड़ी बढ़िया भूषा हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी कब बड़े हो जाते हैं, कब छोटे हो जाते हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो उसमें लिखा विकट रूप धरि सिंहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा और विकट रूप धरि लंक जरा हरियो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि विशाल रूप में लंका जलाई, सीता जी के सामने छोटे हो गए। बस आप घर के बाहर बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े ख्यात हैं, बड़े मान्य हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, आपकी लोकप्रियता है, लोग आपका सम्मान करते हैं, आपका आतंक है, आपका दबदबा है, पर वो कभी घर लेके जूते चप्पल की तरफ बाहर उतारना और घर में बिल्कुल छोटे हो जाना। घर में सब समान होते हैं, घर में कोई बड़ा नहीं होता। और जब आप ये अकड़, ये ऐंठ, ये उच्चता, ये प्रतिष्ठा लेके घर आएंगे, घर में कलह हो जाएगा। हनुमान जी ने लंका जाने में मस्क समान रूप कपी धरी, छोटे हो गए। हनुमान जी को ये कला बहुत अच्छी आती है, ये कला सीख जाएंगे अपने घर में, अपनी पत्नी के सामने, पति के सामने, बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने छोटे ही बन के रहिए, विनम्र, प्रेमपूर्ण। और जैसे आप आवरण हटाएंगे आप सहज बनाएंगे। ट्रांसपेरेंसी अपने घरों में होना चाहिए, जिसको हिंदी में पारदर्शिता कहते हैं। हमारे घर का हर सदस्य इतना पारदर्शी होना चाहिए कि जब आप उससे बात करें तो आपको ये पूरा तरह से भरोसा हो कि जिस समय बात कर रहा हूं या कर रही हूं ये वही है जो बाहर से दिख रहा है। इतने ट्रांसपेरेंट हो जाइए। पारदर्शिता ही सबसे बड़ा आवरण है, वेशभूषा है। और जैसे ही आप पारदर्शी होंगे आप अपने घर में अहंकार की उद्घोषणा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे। आज हमारे घरों में रिश्ते क्यों टूटते हैं, संयुक्त परिवार क्यों टूटे, भाई भाई से, बाप बेटे से क्यों बिछड़ा, पति पत्नी में क्यों तनाव आया? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी। और आपकी ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता गई, अहंकार आया और तोड़ता ईगो जिसको कहते हैं, अहंकार तोड़ता है, एकदम क्लियर रही है। कोई काम हुआ तो क्रेडिट खुद न ले, सब में बांट दीजिए। देखो हमारे हनुमान जी साहब जब लंका जलाकर आए, श्रेय की बात कर रहा हूं, आज घरों में लोग श्रेय बांटते नहीं है, ले लेते हैं, मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या मिला, मैं हनुमान जी का तो मैं बहुत छोटा था। लंका जला के आए तो राम जी ने पूछा, अगर हनुमान आपने काम तो बड़ा जोरदार किया और तुमने जो सबसे बड़ा काम किया है, तुम सीता का पता लगा के आ गए तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुमने लंका जला दी। राम जी ने तारीफ करना शुरू की और हनुमान जी जानते थे कि प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से बनाई जाती, बड़ी खतरनाक है। तो बस हनुमान जी ने कहा, महाराज मैंने लंका नहीं जले। अरे हनुमान जी ने कहा वाह। राम जी ने कहा अच्छा तुमने लंका नहीं जले, मैंने नहीं जले। बोले ये तो लक्ष्मण जी कहने लगे, ये लो देखो आप सारी दुनिया जान रही है जला के आए, तो झूठ बोल रहे। राम जी ने कहा हनुमान तुमने लंका नहीं जलाई,
हाँ बोले मैंने नहीं जलाई महाराज लंका, राम जी के सामने बोल रहे हैं। राम जी को भी आश्चर्य हुआ। राम जी ने कहा देखो वीडियो वायरल हो जाएगा, सारी दुनिया जानती है, आजकल तो 2 मिनट लगते हैं। हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं जलाई। तो राम जी ने पूछा अगर तुमने लंका नहीं जलाई तो लंका किसने जलाई? देखो आप श्रेय कैसे बांटा जाता है। तो हनुमान जी ने कहा मैंने लंका नहीं जलाई, लंका जलाई विभीषण के जाप ने, लंका जलाई सीता जी के ताप ने, लंका जलाई मंदोदरी के संताप ने, लंका जली रावण के पाप ने, और लंका जलाई मेरे बाप ने। तुम्हारे वहां बोले पवन देव चले नहीं तो मेरी तो एक ही पूंछ थी, अगर हवा ना चलती तो लंका जलती नहीं, एक हाथ भवन जल के निपट जाता। लेकिन चरे मरुत उनचास, उसी समय सुंदर कांड मिलेगा, ऐसी हवा चली। हवा हनुमान जी के पिताजी हैं। देखिए कैसे श्रेय उनने बांट दिया, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो लंका जलाई, उसने तो मेरी पूंछ में आग लगाई। अब जिसकी पूंछ में आग लगेगी वो उछल कूद तो करेगा, बाकी काम तो सब अपने आप होने लगे। रावण के पाप ने जलाई, क्योंकि रावण ने कहा था अपने अपने घर से कपड़े लाओ, घी लाओ, तेल लाओ, सब ले आओ अपने 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 घर से। आगे रावण के मंत्रियों ने कहा महाराज खजाना खाली हो गया, लोगों के घर खाली हो गए, किसी के यहां कपड़े भी नहीं बचे, तेल और घी तो अलग। हनुमान जी सुन रहे थे, रावण ने कहा फिर बोले बस ये जो पहने यही बचे हैं, बाकी सब लग गए इसके पूंछ में। हनुमान जी ने कहा अभी ठीक रहा, अभी ठीक रहा, और ऐसी लंका जलाई उलटी पुलटी लंका सब जारी, कोई घर नहीं बचा। लोगों ने कहा आपने घर क्यों जलाए? बोले हमारे यहां तो अपने देश में तो किसी मोहल्ले में जिस जिस घर से चंदा आता है उस घर प्रसाद दिए जाते हैं। बोले जिस जिस घर से तेल कपड़ा आया मैंने उस घर में अग्नि का प्रसाद दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया, कंट्रीब्यूशन था तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। मैं ये बात सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि परिवार में ऐसे अवसर आए तो अपना मैं बहुत छोटा कर दे। जिन परिवारों में सदस्यों का मैं बड़ा हो जाएगा वो परिवार टूट जाएगा, उसको बचाना मुश्किल है। इसका बहुत बड़ा कारण है मैं। इसलिए देवियों और सज्जनों परिवार में तो इतना बड़ा कलेजा रखना चाहिए कि जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया है हमारा, किसी ने कहा है कि जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया है हमारा, वक्त आने पर वादा है दरिया लौटा देंगे। ऐसा बड़ा कलेजा रखना चाहिए। आपके घर परिवार में कोई आपके काम आए तो मैं का क्रेडिट आप दे क्या सकते हैं। तीसरा 1-2-5 फॉर्मूले में तीसरी बात कर रहा हूं, भाषा बचाइए, भूषा बचाइए, भोजन बचाइए। इसमें तो कोई शक नहीं कि घर का भोजन, परिवार का भोजन शाकाहार होना चाहिए, इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। ईमानदारी और परिश्रम से जो धन कमाया उस धन से अन्न आना चाहिए, गलत तरीके से कमाए हुए धन से जो अन्न आया वो अन्न आपके सदस्यों का मन खराब कर देगा। अन्न का प्रभाव मन पे पड़ता है, बड़ी बारीकी से देखिएगा कभी घर में कोई बहुत बड़ी उठापटक हो जाए कि पैसा कहां से आया था, ये भी एक मायने रखता है। तो सच बात तो ये है, थोड़ी बात गहरी आएगी पर मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि भोजन बचाइए का मतलब भोजन का संबंध 3 बातों से है, शरीर मन और आत्मा। इन तीनों में भोजन अलग है। शरीर का भोजन अन्न है जो हम खाते हैं और हमारे भोग विलास पे उसका असर पड़ता है। हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो शरीर के भोजन से कंट्रोल है। तो आप लोग डाइट कंट्रोल करते हैं, कभी ये खाओ वो खाओ तो शरीर का स्वास्थ्य होता है। ऐसी एक मन का भोजन है। मन का भोजन क्या है? विचार और स्मृतियां। घरों में यदि मन लगातार विचार और स्मृति खाते रहे तो झगड़े को भी बंद नहीं होंगे। कुछ मेंबर तो इतने प्यारे होते हैं घर में जिनको 25 साल पुरानी भी याद है जैसे कल ही निपटारा हुआ। 25-25 साल की चीजें खोपड़ी में भरी हैं आपने, 25 साल पुरानी ऐसी देते हैं आदमी को कल की याद नहीं। औरत 25 साल वाली नहीं भूल रही। किसी आदमी से पूछना कल क्या हुआ, अरे क्या मालूम क्या हुआ।
इसलिए जब भी भाई साहब लोग मेरे पास आते हैं, कभी आते हैं भाई साहब लोग पत्नी से बहुत खटपट है, हम बोलते हैं आदमी को औरत से कभी नहीं लड़ना चाहिए। आपसे भी कह रहा हूं। लोगों ने पूछा क्यों, तो एक भाई साहब ने मुझे बताया, वो ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि आदमी में अकल ही नहीं होती कि औरत से लड़ ले। आप बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना, क्योंकि आदमी जरा सिस्टमेटिक होता है, थोड़ा मैनेजमेंट का जानकार है, बाहर से सब काम मैनेजमेंट का करता है, और माताएं बहनें बहने की आदी हैं, तो आदमी लड़ाई करता है पॉइंट पे कि पॉइंट ये है, उसको पॉइंट यही धरा और जंप मारेगी। मैंने अच्छे अच्छे विद्वान को पत्नी से लड़ने के बाद ये कहते सुना, मुद्दा क्या था समझ नहीं आया। तो तेरे को नहीं आएगा मुद्दा समझ में, क्यों लड़ता है वो बता, आधे घंटे दिमाग खराब होगा, बोले ऐसी घुमाती गुरु जी कि पॉइंट चला, तो पॉइंट चला जाएगा, क्योंकि आप जिस स्तर पे वो अलग ही चलती भाई, वो तो जंप मारती है। आदमियों को इतने पॉइंट से लड़ने की आदत, पॉइंट की बात कर, पॉइंट की, जब ऑफिस जाता हूं तभी कुछ ना कुछ छिड़कान करती, परसों में जब काम पे जा रहा तो ना उसी समय टोका, अब वो इतनी प्यारी स्टाइल से आती, परसों कब आगे ये बोल रहा है, जब क्लियर बोल रहा हूं परसों कब, अब बेचारा कब याद करे तब तक तो आगे मामला बढ़ जाएगा, अरे परसों कब, पॉइंट की बात कर। वो पत्नी ज्यादा परसों करता है तो उसकी पत्नी बोलती, अरे रहने दे रहा था, परसों को रो रहे हो, 24 साल पहले जब शादी होकर आई थी, 2 घंटे बुआ जी के पास बैठे रहे, मुझे ठीक से देखा तक नहीं था, अब लो। आप में से जितना बैठा आपको ढीला याद नहीं होगा कि आपकी शादी के 3 दिन बाद क्या हुआ, और कोई माई नहीं भूली होगी कि 3 दिन तक क्या हुआ, इतना प्यारा चित्रगुप्त का खाता होता है। आदमी को लड़ना ही नहीं चाहिए, आपको नहीं समझ क्यों टाइम वेस्ट करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो, जब आपका पॉइंट ही पकड़ एकदम जंप मारता है। मैंने कोई पराक्रम ही देखे, अच्छा आदमी जब लड़ता है ना तो ऐसा आक्रोश में दावा करता है, तेरे लिए कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, तो इस देश में सबसे ज्यादा बोला सम्मान, जो भी कर रहा हूं तेरे लिए तो कर रहा हूं। अच्छा तू बोल क्या करूं, तू कहता दुनिया मुट्ठी में लाऊं, बोलती दुनिया मुट्ठी उट्ठी छोड़ो, पर्दे बदलो, 6 महीने से सुन रहे हैं, दुनिया की बात कर रहा है, हो सकता कुछ भी, क्यों, क्योंकि मन खा रहा है विचार स्मृति। अगर मनुष्य का मन विचार और स्मृति खाता रहे तो आपको एक बीमारी लगेगी, उसका नाम डिप्रेशन है, उदासी है, तनाव है, मन का भोजन ये, और ऐसे ही परिवार का होता है। जिन परिवार के सदस्यों को पुरानी बातों में अपनी घटनाएं याद रखने की आदत पड़ जाए, वो अच्छा खासा खेल बना देते। कई फैमिली में आज भी अच्छा खासा फंक्शन चल रहा है, पर 1-2 मेंबर अपना पुराना राग लेके आते हैं, वो कभी खुश नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो उनके लिए, आप लोगों की बात नहीं कर, आप चूंकि ऐसे मेंबर तो जानते नहीं होंगे, आपने तो देखा ही सुना ही नहीं होगा, तो ऐसे भी पंगेबाज होते हैं, आप उनको कुछ भी कर लो वो खुश नहीं सकते, क्योंकि उनके मन को स्मृतियां खाने की, विचार खाने की आदत पड़ गई। और जिसका मन जितना अधिक विचार, तन तो फिर भी ईमानदार है, 1 रोटी 2 रोटी के बाद तन मना कर देता है, पर मन तो और अप्री खाओ, और उदासी की बातें, और निगेटिव बातें सोचो, और यही से फिर घर में शांति आ जाती, जिसको नेगेटिविटी कहते हैं। और एक हमारी आत्मा है, तन का भोजन अन्न है, मन का भोजन विचार और स्मृति है, और आत्मा का भोजन मंत्र है, परमात्मा का स्मरण है। इसलिए एक बात मैं जो कहना चाहता हूं आपसे, कि यदि आप अपने घरों में भोजन बचाना चाहते हैं तो आप तन से जो खाइए, मन को नियंत्रित करिए, लेकिन आत्मा के भोजन की तैयारी 24 घंटे में से कम 24 मिनट जरूर करिए। बहुत कम लोग हैं जो अपनी आत्मा को भोजन कराते हैं, और यदि आत्मा भूखी है, आत्मा को संतोष नहीं हुआ, आत्मा को तृप्ति नहीं हुई, तो आप दुनिया में कभी शांत नहीं हो पाएंगे। तन आपको स्वस्थ रखता है या बीमार रखता है, मन आपको उदास रखता है या शांत रखता है, और प्रसन्न चित्त और आनंदित आत्मा रखती है, पर हम आत्मा तक जाते ही नहीं, हम उसके लिए कोई काम नहीं करते, तो फिर हमको यह भुगतना पड़ता है। इसलिए कोशिश करिए,
इसलिए मैंने आपको भोजन का भोजन परिवार का भोजन, इसलिए जब अपने सदस्यों के साथ बैठे पास्ट की अप्रिय घटनाएं छोड़ दें, हर परिवार में अप्रिय घटा होगा, कोई परिवार नहीं बचा। लेकिन आप उस अप्रिय को कैरी अगर कर रहे हैं, एक बात याद रखना, स्मृति का बोझ दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है। अगर आपके सिर पे वजन रख दूं तो आपकी चाल लड़खड़ा जाए, अगर आप स्मृति का बोझ लेके चलते ही रहेंगे आपकी जीवन की चाल लड़खड़ा, भूलिए छोड़िए, हो गया प्रिय, हो गया बहुत, हो गया चलता है, कब तक लेके चलेंगे, ये भोजन है उसका। इसलिए भोजन में मैंने आपको तीन बातें बताई कि जरा सावधानी से इसको निपटाइएगा। देवियों और सज्जनों, मैंने फिर आपसे कहा तैयारी आपको करना है, दूसरे मेंबर्स क्या कर रहे हैं उनसे बहुत उम्मीद मत करिए, लेकिन आपने अगर अपनी आत्मा को भोजन करा लिया तो सारे रिश्ते जिनको आज हम चाहते हैं अच्छे हो जाएंगे, नहीं तो आप कभी भी न खुद शांत रहेंगे न अपने साथ वालों को शांत रहने देंगे। किसी ने लिखा है और किसी ने बहुत सुंदर बात बोली है, मेरी आंखों को ये कौन बताने देगा, हमारे घरों में ऐसा ही होता है, मेरी आंखों को ये कौन बताने देगा, ख्वाब जिसके हैं वही नींद ना आने देगा। आप मोहब्बत बच्चों से करते हैं उन्हीं के कारण नींद नहीं आती, माँ बाप को, पत्नी को पति के कारण, पति को पत्नी के कारण, रोज करवटे बदलते रहते हैं। ख्वाब जिसके हैं वही नींद ना आने देगा, और सब अंधेरे से कोई वादा किए बैठे हैं, कौन ऐसे में मुझे क्षमा जलाने देगा। आपको अपने प्रकाश का, अपने आनंद का, अपनी प्रसन्नता की तैयारी खुद करना पड़ेगी, खूंटियां ढूंढना बंद कर देना चाहिए। आप आनंदित हो जाएंगे, आपकी पॉजिटिविटी से दूसरे आनंदित हो जाएंगे। और आइए अब चलते हैं 1-5 फॉर्मूले में, चौथी स्टेप। मैंने आपसे कहा भाषा बचाइए, भूषा बचाइए, भोजन बचाइए, आइए अब बात करते हैं भजन बचाइएगा, चौथा स्टेप। इसमें चार बातें हैं। भजन बचाने से मतलब मेरा यह है कि आपका पूजन, आपकी जो पूजा की पद्धति है, सत्संग करिए, ध्यान करें, मेडिटेशन, और दान करें। अब मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं क्योंकि मुझे परिवारों में क्या घटना है यह सब नहीं बताना है, और मेरे पास व्यवहारिक तरीका भी नहीं है। मैं एक बहुत छोटा सा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, इसलिए जो बात आपसे कर रहा हूं वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर रहा हूं कि आप मेरी बात का आध्यात्मिक पक्ष अपने घर ले जाएं। बाकी तो प्रैक्टिकली और नॉलेज के लेवल पे और टैलेंट तो आपका मुझसे अधिक होगा, आप घर संभाल सकते हैं, पर मैं सिर्फ अध्यात्म की बात करूंगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से घर में पूजा होना चाहिए, लेकिन एक ड्रिल होना चाहिए।